पीएसएल में किस किस की छुट्टी होने वाली है? क्रिकेट बोर्ड ने दो टूके ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के मुलाजमीन और कोचेस समेत पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल के पांचवें एडिशन में काम नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का चौथा एडिशन 14 फरवरी से शुरू हो रहा है। इस बात के इम्कान मौजूद हैं कि आइंदा साल जब पांचवा एडिशन होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता मुलाजमीन और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम करने वाले कोचेस लीग के लिए काम नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का अगला इजलास 6 अप्रैल को रखा गया है, जिसमें पीएसएल में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए पॉलिसी को हतमी शक्ल दी जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान टीम के हेड कोच मिकी आर्थर और बॉलिंग कोच अजहर महमूद समेत कई रीजनल कोचेज मुख्तलिफ फ्रेंचाइजों के साथ मुंसलिक हैं। ज़राए का कहना है कि गुज़श्ता दिनों होने वाले गवर्निंग बोर्ड इजलास में ये मामला ज़ेरे बहस आया कि बोर्ड के मुलाजमीन को किसी भी फ्रेंचाइज के लिए काम करना मुफादात का टकराव है। चूंकि पाकिस्तान सुपर लीग के शुरू होने में अब एक हफ्ते से कम वक्त रह गया है, इसलिए फ्रेंचाइज के लिए काम करने का मामला मुअख्खर कर दिया गया है। इम्कान है कि 3 माह बाद जब अगली मीटिंग होगी उस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग ख़त्म हो जाएगी और वर्ल्ड कप के बाद मिकी आर्थर समेत तमाम कोचेज़ और सिलेक्शन कमेटी के मुहैदों को भी तजदीद होना है। इसलिए नई पॉलिसी बनाकर कोचेज़ सिलेक्शन कमेटी से नए मुहैदों में इस पर अमल दरामद कराया जाएगा। इजलास में ये बात शिद्दत से ज़ेरे बहस आई है कि अगर पाकिस्तान टीम और रीजन के कोचेज़ ही फ्रेंचाइज के लिए भी काम करेंगे तो दीगर बेरोज़गार कोचेज़ को कहाँ मौका मिलेगा। ज़राए का कहना है कि वर्ल्ड कप के बाद मिकी आर्थर मुआहदे में तजदीद चाहते हैं, लेकिन फौरी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें कोई यकीन दहानी कराने से इनकार कर दिया है। इम्कान है कि जब 3 माह बाद अगली मीटिंग होगी उस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग ख़त्म हो जाएगी और वर्ल्ड कप के बाद मिकी आर्थर समेत तमाम कोचेज़ और सिलेक्शन कमेटी के मुआहदों की भी तजदीद होना है। इसलिए नई पॉलिसी बनाकर कोचेज़ सिलेक्शन कमेटी से नए मुआहदों में इस पर अमल दरामद कराया जाएगा। इजलास में ये बात शिद्दत से ज़ेरे बहस आई है कि अगर पाकिस्तान टीम और रीजन के कोचेज़ ही फ्रेंचाइज के लिए भी काम करेंगे तो दीगर बेरोज़गार कोचेज़ को कहाँ मौका मिलेगा। ज़राए का कहना है कि वर्ल्ड कप के बाद मिकी आर्थर मुआहदे में तजदीद चाहते हैं, लेकिन फौरी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें कोई यकीन दहानी कराने से इनकार कर दिया है। बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर, बॉलिंग कोच अजहर महमूद और फील्डिंग कोच ग्रांट ब्रैडबर्न समेत तमाम कोचेज़ और मैनेजर तलत अली मलिक के मुआहदे वर्ल्ड कप के बाद ख़त्म हो जाएंगे, जिसके बाद इम्कान है कि बोर्ड वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी देखकर मुआहदों की तजदीद करेगा। ये तमाम तकर्रियाँ सबक दौर में हुई हैं, जिसमें नई इंतज़ामिया ने कोई तब्दीली नहीं की है।